देखो पाज तो हम बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं दिखाऊंगी एक अनोखा तरीका। फ्रेंड्स वेलकम टू माय इम्परफेक्ट डायरीज। और आज चलिए शुरू करते हैं एक बॉटल डेकोर और डेकोपाज टेक्निक से कैसे बनाया है। पहले लिया है मैंने एक ग्लास बॉटल और उसको एक जो मैं पेपर ले रही हूँ उस पेपर के अकॉर्डिंग मैंने उसको एक बैकग्राउंड में कलर दिया है। तो फिलहाल मैंने लिया है एक पेल येलो कलर, जो नॉर्मल हमारा एक्रेलिक पेंट होता है उसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स करके मैंने पहला बेस कोट दिया है। और उसके बाद ये ट्विस्ट है कि मैंने ये कथकली का जो फेस है ये मैंने नॉर्मल जो डेकोपाज पेपर है वो नहीं लिया है, एक नॉर्मल इंटरनेट से एक पेंटिंग का प्रिंट आउट किया है हमारे A4 साइज पेपर से। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने A4 साइज जो हमारा नॉर्मल राइटिंग पेपर होता है वही पेपर लिया है। और मैं आज शो करूँगी कैसे हम इस पेपर से भी डेकोपाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितना पोर्शन हमें चाहिए पेंटिंग का उतना पोर्शन हम कट कर लेंगे। और कट करने के लिए पहले इसको भिगा के कट करेंगे। तो मैं ये भिगा रही हूँ, भिगाने से पेपर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और जो रफ एजेस होते हैं वो अच्छे से टूट सकते हैं। तो और एकदम हल्के हाथ से हम इसको तोड़ लेंगे, पेपर को फाड़ लेंगे, बहुत हल्के हाथ से पेपर को फाड़ लेंगे। और देखिए कितना परफेक्ट आया है हमारा, जो डिजायर्ड जो जितना चाहिए उतना पोर्शन कितना सुंदर से कटा है। आप कोशिश कीजिए कि रफ एजेस अच्छा अच्छा रहे और जो पेंटिंग है उसको कोई नुकसान ना हो। अभी हम बॉटल पे पहले प्लेसमेंट देख लेंगे कहाँ पे हम अपना पेंटिंग प्लेस करेंगे, कितना ऊपर नीचे कितना रखना है उस पहले देख लेंगे। और फिर इस पेपर के केस में हम पहले पेपर काफ़ी ठीक है नॉर्मल डेकोपाज पेपर से, इसीलिए पेपर पे ही हम ग्लू लगा लेंगे। मैंने लिया है नॉर्मल हमारा फेविकॉल, आप कोई भी क्राफ्ट ग्लू ले सकते हो, आप मॉड पॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इतना ध्यान रखिए ग्लू लगाने के बाद पेपर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको एकदम हल्के हाथ से बहुत सावधानी से उसको हम प्लेस करेंगे। आप अपने हाथों से भी कर सकते हो और जैसे या फिर जैसे डेकोपाज हम करते हैं उस हिसाब से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो जो कि है ड्राई ब्रश से ब्रश करके करना। लेकिन ध्यान रहे आपका पेपर जो भी डिज़ाइन है वो फटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फट भी जाता है गलती से तो टेंशन लेने का बात नहीं है, उसको आप कलर करके मेकअप कर सकते हो। तो अभी मैंने चिपका भी दिया है हमारा पेंटिंग, और जो बैकग्राउंड कलर है मैं पेंटिंग के कलर के अकॉर्डिंग एक सेकंड कोट दे रही हूँ बॉटल पे। जैसे हम नॉर्मली डेकोपाज टेक्निक में बॉर्डर्स को मर्ज करते हैं वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। और कितना सुंदर अभी मैंने कर लिया है, आई होप ये ठीक आया है। आप बताइए कैसा आया है जो हमने किया है। और ये पेंटिंग जब आप करोगे तो हल्का प्रिंट आउट में थोड़ा कलर कम लग रहा था मुझे, इसीलिए इसको हम एक 3D इफेक्ट देने के लिए उस पे और अच्छे से मैं ब्लैक मार्कर से उसको डिटेलिंग्स कर रही हूँ। फाइन डिटेलिंग्स जो भी रहेगा वो सब अच्छे से करके, तो जैसे ये जो भी डिज़ाइन है वो एकदम खुल के आए वैसा किया है। और इसके बाद और अच्छा इफेक्ट देने के लिए 3D इफेक्ट मैं ले रही हूँ ऐसा एक मेटल का चेन और 3D कोन लाइनर्स, जो हमारे कोन लाइनर्स होते हैं वो लिया है। और इसको हम किसी भी तरीके से अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हम डेकोरेट कर सकते हैं। मेन आइडिया ये है कि जो हमने पेंटिंग लगाया है वो कैसे स्टैंड आउट करेगा। जब हम इसको कहीं पे हमारे घर पे प्लेस कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, तो कैसे ये स्टैंड आउट करेगा। इसको आप
कहीं पे भी आपको जहाँ लग रहा है यहाँ पे पेंटिंग करना है, यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट डालना है, आप उस हिसाब से उस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो जो इसका मुकुट है वहाँ पे, इसका जो आईज़ है और जो भी है वो सब मैंने थोड़ा इन्हेंस किया है। और अभी जो इनका मुकुट में जो इयररिंग के का पोर्शन है वहाँ पे मैं जो मेटेलिक कलर्स आता है हमारा एक्रेलिक कलर्स वो दे रही हूँ उसको थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए। अभी देखिए पूरा रेडी हो गया है हमारा ये पेंटिंग, सूख भी चुका है। अब टाइम है पेंटिंग को हम कैसे रिटेन करेंगे ज़्यादा दिन के लिए, तो उस चीज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मॉड पॉज। ये होममेड मॉड पॉज है, आप जो मार्केट में अवेलेबल होता है रेडीमेड मॉड पॉज वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए ये जबकि पेपर है मॉड पॉज लगाना बहुत ज़रूरी है। और मॉड पॉज लगाने के बाद आप एक और कोट वार्निश का भी दे सकते हो, उससे आपका जो क्राफ्ट वर्क है उसका लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी फ्रेंड्स देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, ड्राई भी हो चुका है वार्निश और मॉड पॉज लगा के। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आइडिया डेकोपाज का आपको कैसा लगा। ज़रूर ये आइडिया एक बार ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे। और अगर आपको ये वीडियो और मेरा कोशिश अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे माय इम्परफेक्ट डायरीज़ को। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे क्रिएटिव, स्टे हैप्पी।